नमस्कार। कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी कहा तो ये बात कुछ लोगों के गले नहीं उतरी। राजीव गांधी के नाम से कई छवियां आती हैं दिमाग में और उनमें से एक छवि आती है सिखों के कत्लेआम की, जब कई हजार सिखों का दिल्ली की सड़कों पे खुलेआम कत्ल कर दिया और उसके बाद पूरे भारत में 40 से भी अधिक शहरों में सिखों की जान पर बनाई। आज मैं तिलक विहार में एक ऐसे ही घर में बैठी हूँ जिन्होंने अपने कई लोगों को गंवाया। क्या हुआ था 1984 में? 1984 में मैं गुरुद्वारे के अंदर पाठ करता था। उस टाइम जब 31 अक्टूबर को इंदिरा जी को गोली लगी है, कुछ होता हमारा प्यार था, हम कांग्रेस को वोट देते थे, मेरे बड़े बुजुर्ग। तो मैंने 1 तारीख को छुट्टी थी, मंगलवार था, मैं उस समय मैंने ये जाना कि मैं कहा हाँ जी वहां जहां पर उनकी डेड बॉडी या उनका जो रखा हुआ है पार्थिव शरीर, मैं वहां पर जाकर उनके दर्शन करूं। लेकिन लोगों ने मेरे को बीच में रोक लिया, मेरे साथ में एक मेरा साथी था, कह रहा आप चले जाओ सिखों को मार रहे हैं। मैं वापिस चला गया। मेरे चाचा जी आए थे बाहर से, उनकी फोटो भी मेरे सामने यहां लगी हुई है, आत्मा सिंह मेरे साले 3। वहां पर वापसी आते हुए देखा तो 4 घंटे के अंदर ये देखा कि माहौल खराब था, मेरे बाल काट दिए, 2-3 टट्टू ठेले लोकनायक अस्पताल की 2 गाड़ियां बंद बॉडी की गाड़ियां, उनमें देख रहे हैं अध जले शरीर, सुअर और कुत्ते बॉडियों को खींच रहे हैं। तो उनको देखते हुए जब राजीव गांधी कहता है बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, अरे दिल्ली वासियों, ओ दिल्ली वासियों कांग्रेसियों थोड़ा सा हमारी तरफ भी देख लेते। जसकरण जी, आपने अपने हस्बैंड को खोया उस कत्लेआम में और उसके बाद आज जब लोग कहते हैं कि राजीव गांधी मिस्टर क्लीन थे और उनकी छवि को धूमिल ना किया जाए, तो आपको क्या याद आता है, क्या कठिनाइयां हुई 1984 के बाद? 3 भाई थे, एक मौसा जी था और हमारे पति थे, तो उनको हमारे घर में रख के फिर के पास वालों ने रख के टायर जला दिए और मिट्टी का तेल डला के उनके जला दिया। तो आज कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों का जिम्मेदार राजीव गांधी को मानती हैं? राजीव गांधी को मानते हैं अपनी परेशानी में, हंसता खेलता परिवार जला दिया तो उसी को ही बोलना और किसको बोलना है। आपको आपके सामने जला दिया? हमारे सामने ही बस ऐसे पास था, पार्क थी, उसी में जला दिए, टायर डाला है, मिट्टी का तेल डाला है। आपने देखा? हाँ हमने देखा, हमें आगे नहीं जाने दिया उन्होंने, पकड़ ली। कोई पुलिस नहीं थी? पुलिस नहीं, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, कोई था बस गाँव कॉलोनी वाले थे बंदे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी भी कहते थे ये 84 का कांड जो है कांग्रेस वालों ने नहीं करवाया, जबकि ये जिस वक्त 3 दिन इन्होंने हमारे भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को गले में टायर डाल करके, मिट्टी का तेल डाल करके रेलवे स्टेशन के ऊपर खींच के ले गए, हमारे एक सुल्तानपुरी में रिश्तेदार थे, उनके खींच के ले गए, उनके आंखों में उन्होंने कील 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 गाड़ दिए। और राहुल गांधी जब इतना भी बच्चा नहीं था, जब राजीव गांधी ने बोला था कि 72 घंटे हमने आपको दिए थे इन सरदारों को मारने के लिए, पूरी दिल्ली में से सरदार लोग एक भी नजर नहीं आना चाहिए, 72 घंटे दिए थे, जब ये सोनिया गांधी भी सुन रही थी ये बात, राहुल गांधी भी सुन रहा था, प्रियंका गांधी भी सुन रही थी, ये राजीव गांधी के बयान क्या ये इनके कान बंद हो गए थे उस वक्त, राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के, सोनिया गांधी के? जो हमारा सरदार जी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे वो तो इनका एक पिट्ठू बना हुआ था, यानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे उस वक्त, अगर राष्ट्रपति शासन हो जाता तो इतना नुकसान हमारा नहीं होता। जब ये थोड़ा सा शांति हुई तो देखने गए तो वहाँ किसी की लाश पहचानी नहीं जाती थी। उस टाइम में 10 साल की थी, हमारे दरवाजे पे आग लगा दी घर के, हमारे घर के आगे एक हेडपंप लगा हुआ था, मेरी सहेली थी
वो भी मेरे साथ ही खड़ी थी। हमने पति छोटा सा पतीला लिया, भर भर के दरवाजे पे डाला, फिर अंदर से मेरे चाचे के लड़के, मेरे भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी, वो निकले बाहर, सभी भाग गए, कॉलोनी में चले गए। हमारा वहाँ कोई नेता था, उनके घर के पास ही था घर, वहाँ से भाग के कॉलोनी में चले गए। मेरी मम्मी रोती पीटती उनको ढूंढने चली गई, वहाँ पे एक किसी बंदे को मारा, पता ही नहीं चला कौन था। फिर उनके उसकी लाश को खींच के और ले गए टेर डाल के उसको जलाया। और आजकल भगत की घरवाली ऊपर हेलीकॉप्टर में घूम रही थी, बस यही देख रहे थे हम तो। उसके बाद तो हमारे ना पापा आए ना भाई आए। कौन थे ये लोग? क्या ये पुलिस थी, क्या ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, ये कौन लोग? कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे जी, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ हिंदू मुसलमान जो करने वाले थे उनको भड़का रखा था उन्होंने। आज जब राजीव गांधी की छवि को लेकर विवाद होता है, लोग कहते हैं कि राजीव गांधी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत स्वच्छ छवि थी, देश के लिए जान दी, कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पिता की भी जान ली उन्होंने। बिल्कुल लिए जी जान उन्होंने, थे उन्होंने क्या देशभक्ति की है? देशभक्ति तो हमारे लोगों ने की है, जो हमारे देश के लिए जान चली गई है। अगर राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बेटे ना होते और ये काम करते तो तब तो सजा मिलती जी। क्या ये एक राजा के बेटे होने का फायदा उन्होंने उठाया कि जिसको पाया उसको मार दिया? वो तो है ही राजनीति जी, इसमें जिसको उठाया मार दिया, जिसको जेल में बंद कर दिया। आज जब कांग्रेस पार्टी न्याय की बात करती है और प्रधान जो और राजीव गांधी को एक मिस्टर क्लीन, एक बड़ी दैवीय छवि की बात करती है कि उन्होंने देश के लिए शहादत दी, गुस्सा आता है या एक असहाय महसूस करते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेसियों से कि राजीव गांधी ने क्या करा हमारे लिए? राजीव गांधी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं करा है। मेरे फादर इन लॉ 84 से जब कत्ल आम हुआ उससे 4 दिन पहले ही दुबई से आए थे, वो बाहर काम करते थे, उनको बस नाला है सागरपुर का, वहां बेचारे सब्जी लेने गए हैं, वहीं घेर आके वहीं मार दिया, उनकी आज तक हमें डेड बॉडी तक नहीं मिली है। कहीं ना कहीं असहाय महसूस करते हैं कि कुछ नहीं कर पाए, आज भी वो गुस्सा उतना ही है? बिल्कुल उतना ही गुस्सा है। राहुल गांधी कहता है कि मेरे फादर बिल्कुल क्लीन है, हम कहते हैं किस जगह, हमारे सामने बहस करे किस जगह क्लीन है भाई? एक आप हिंदुस्तान के राजा होके कह रहे हो कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है, और फिर संघ में कह रहे हो कि नीली पीली हरी काली नजर नहीं आनी चाहिए। अरे ये तो हमारे गुरुओं की देन है, हमारे गुरुओं ने शहीदियां दी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा वंश इसमें उतार दिया, नहीं तो आज तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाता अगर जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ना होते, गुरु तेग बहादुर साहब ना होते। तो राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, या प्रियंका गांधी ने, या किसी ने भी आज तक 84 की माफी मांगी हो बताएं हमें? किसी भी स्टेटमेंट में किसी मीडिया वाले को कहा हो कि भाई इनके संग गलत हुआ है तो जो वो सजा देंगे हम भुगतने को तैयार नहीं, हम जो सजा देंगे वो भुगतने को तैयार हैं, हमें जवाब दे राहुल गांधी। जो कुछ करा है मोदी जी ने बहुत अच्छा करा है, हम मोदी जी को कहते हैं कि बहुत अच्छा करा है, जो मोदी जी कर रहे हैं आने वाले टाइम में भी करेंगे, हम उनका धन्यवाद देते हैं। अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, नवजोत सिंह सिद्धू आपकी कौम के बड़े जाने माने चेहरे हैं, इन लोगों पे गुस्सा आता है? ये तो कौम के पक्के गद्दार हैं। अरे तुम्हारा कोई मरा होता 84 में तो फिर तुम्हें पता होता कि तुम हमारे संग होते। सही बात है, तुम्हारा कोई मरा ही नहीं तो तुम तो कौम के गद्दार हो। सही बात है, सही बात है। हम लवली से पूछना चाहते हैं कि तेरा कौन मरा है 84 में, बताए हमें। आज तू कांग्रेस के संग है, अरे तू सिखों के संग। तिलक विहार के इस घर में बैठकर मैंने कई कहानियों को चंद पलों में सुन लिया, और शायद मैं उस समय नहीं थी जब नरसंहार हो रहा था दिल्ली की सड़कों पे, लेकिन उन सभी छवियों को इन लोगों ने मेरे सामने उतारा, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राइट नरेटिव आप सबसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता है कि सच सच होता है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, कन्वीनियंट लगे ना लगे, अ फैक्ट मे बी इनकन्वीनियंट फॉर यू बट इट कंटिन्यूज टू रिमेन अ फैक्ट। 1984 में दिल्ली में खून बहा था और इस सत्य को कोई नहीं बदल सकता। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द राइट नरेटिव।